हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो है स्पेशली उन लड़कों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2017 के लिए। अभी हाल ही में आप लोगों ने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, अब कुछ दिन बाद राजस्थान टेट है। तो अब जो आएगा सीटेट 2017 एक बार एग्ज़ाम होगा, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। क्योंकि अभी जो है 5 नवंबर को नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके बाद नोटिफिकेशन आ सकता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम जो है 150 अंकों के लिए होगा, जिसमें पास मार्किंग है 90 अंक, आप सबको ये पता होगा। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है, ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें पढ़नी होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन है बाल मनोविज्ञान का, इससे आपका 30 प्रश्न आएगा और ये कंपलसरी है दोनों वर्ग के लोगों के लिए, यानी जो प्राइमरी हैं जूनियर हैं दोनों, ठीक है। तो आप दोनों लोग ध्यान से देखिए, तो ये कंपलसरी है, 30 प्रश्न आने हैं, ठीक है, और 30 अंक हैं इसके लिए आप सबको। तो सबसे पहले, आपने अभी तक यूपी टेट एग्ज़ाम दिया होगा, तो यूपी टेट का जो बाल मनोविज्ञान है और जो सीटेट का बाल मनोविज्ञान है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप उस स्तर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अब ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि यहाँ का जो बाल मनोविज्ञान है वो यूपी टेट से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको अधिगम और शिक्षण, ठीक है, ये दो टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि इस टॉपिक से 15 प्रश्न आते हैं। यूपी टेट में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर थियोरी पूछता है, परिभाषा पूछता है, या फिर किसने कौन सा टर्म्स क्वाइन किया है, या इसी तरह से वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों से संबंधित, उनकी खोज से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में ज़्यादा पूछता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सीटेट जो है केंद्रीय पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आपका अधिगम और शिक्षण से लगभग 15 प्रश्न आएंगे। तो विद्यालय वातावरण और जो है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, ये टॉपिक आपको बाल मनोविज्ञान में ख़ास तौर पर प्रिपेयर करना है, जो मैं वीडियो बना करके आपको प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है, ये लेटेस्ट जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आज के ज़माने में आपको टीचर बनना है तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनकी क्या विशेषता है, ये पता होनी चाहिए। आधुनिक समाज में, आज के समय में बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स को लेकर के चल रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीटेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अधिगम शिक्षण से 15 प्रश्न टोटल आने ही हैं दोस्तों। आप सीटेट का किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, और चूंकि इस बार पैटर्न में चेंज हुआ है तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाएंगे बाल मनोविज्ञान से, वो आपके शिक्षण कौशल पर पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाल मनोवैज्ञानिकों से सवाल नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन सिर्फ 1-2 प्रश्न से अधिक नहीं आएंगे। ज़्यादातर जो सवाल आएंगे वो शिक्षण कौशल से आएंगे, कक्षा में शिक्षण से आएंगे, अधिगम को लेकर के आएंगे, बाल मनोविज्ञान यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर आएंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी अगर है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ पुस्तकों के नाम। जैसे आप प्रतियोगिता एक्सपर्ट ले सकते हैं, हमारे पास भी नोट्स है, हम अपना नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो मैं भविष्य में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बाल मनोविज्ञान के लिए। बहुत जल्दी मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा सीटेट का, जो बिल्कुल सीटेट लेवल पर होगा। यूपी टेट तो एज अ नॉर्मली, बहुत नॉर्मली मॉक टेस्ट होते थे, आप लोग आसानी से 30 में 26, 27, 28 कर लेते थे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पर वो है हिंदी, ये भी दोस्तों प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए कॉमन है,
ठीक है। तो अब इसमें हिंदी में आपको भाषा शिक्षण पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, भाषा शिक्षण। अब इस टॉपिक पे 15 मतलब 15 नहीं, फिर भी 10 प्रश्न तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। 10 प्रश्न भाषा शिक्षण पे आएंगे। अब भाषा शिक्षण कौशल में क्या पूछ सकता है, जैसे कक्षा में भाषा किस प्रकार पढ़ाई जाती है, किसी क्षेत्र में वहाँ की मूल भाषा का क्या पढ़ाने का उद्देश्य है, मूल भाषा के साथ एक अतिरिक्त भाषा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीटेट जो होता है ये केंद्रीय लेवल की परीक्षा है, ये पूरे भारत देश में होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक व्यापक तैयारी और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना है इस परीक्षा के प्रति, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। या कोई प्रदेश स्तर की परीक्षा नहीं है, बहुत से लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड वगैरह से भी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। तो सबके लिए अपनी मातृभाषा को छोड़ करके एक अतिरिक्त भाषा पर ध्यान देना होगा। और 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी जो पैसेज से प्रश्न आता है, ठीक है, अपठित, ये अपठित से यानी एक गद्य आएगा, एक पद्य आएगा, इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। एक गद्य से 6 से 7 प्रश्न रहेगा और पद्य से भी 7 से 8 प्रश्न रहेगा। इस तरह दोस्तों सीटेट में 15 प्रश्न आपका एक भाषा में ये रहता है। और जो भाषा सेकंड रहेगी आपकी, या तो लोकल लैंग्वेज रहेगी या अंग्रेजी रहेगी, संस्कृत रहेगी, जो भी, तो इसमें भी एक जो है प्रोज से स्टैंजा रहता है, मतलब पैराग्राफ, और स्टैंजा एक रहता है पोइट्री का, ठीक है। तो ये भी 15 प्रश्न रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन दोनों का अगर मिला दिया जाए, दोनों भाषाओं का, तो 30 प्रश्न आपके कॉम्प्रिहेंशन है। तो आपकी सबसे बड़ी कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ होनी चाहिए। आप किसी भी पैसेज को देख करके उसमें से आंसर सेलेक्ट कर लें। अगर आपको नहीं लगता है तो आप सीटेट के पिछले पेपर देख लीजिए, उसमें यही जो प्रारूप है मैं बता रहा हूँ, इसी प्रारूप पर वो परीक्षा हुई। दोस्तों किसी भी परीक्षा को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके प्रारूप को समझिए कि उस परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, और उस परीक्षा को करवाने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी को देखना चाहते हैं। और फिर जब आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे तो अपने आप उस क्वालिटी को अपने अंदर विकसित करने का गुण आपके अंदर आ जाएगा। और जब वो आप अपने अंदर क्वालिटी विकसित कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस नौकरी के योग्य अपने आप हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पर चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक आप उस सर्किल से बाहर रहेंगे, जो तैयारी का एक सर्किल होता है, किसी भी परीक्षा का एक मतलब पात्रता है, तो उसका एक सर्किल होता है कि वो आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं। जब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप उस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और जिस दिन आपके अंदर वो चीज़ विकसित हो गई, उस परीक्षा को निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो 30 प्रश्न आपके ये कॉम्प्रिहेंशन में दोनों लैंग्वेज को मिला करके, दो लैंग्वेज को मिला करके टोटल 60 प्रश्न रहेंगे। 60 प्रश्न में से 30 कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, बाकी 30 में आपका भाषा शिक्षण से, शिक्षण कौशल से, कक्षा में संप्रेषण से, और एक दो क्वेश्चन बहुत कम साहित्य से पूछ सकता है, नहीं तो बहुत कम, मैं बता रहा हूँ बहुत कम, या तो जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आता हूँ जो मतलब अगला सेक्शन है। ये दोनों भाषा मैंने आपको बता दी है। अब दो सेक्शन हैं, बांट दीजिए। प्राइमरी में आपको पर्यावरण और गणित के लिए पेपर देना है, और जूनियर में आपको सामाजिक विषय अगर है तो 60 प्रश्न सामाजिक विषय से देना है। और तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्राइमरी पहले, तो प्राइमरी में जो है पर्यावरण और गणित। तो दोस्तों ये आपका कुछ कुछ उसी तरह रहेगा जैसा आपने यूपी टेट में पढ़ा है, लेकिन ये कक्षा 1 से 8 तक के लेवल का ये प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर पर्यावरण पर प्रदूषण जागरूकता, प्रमुख मतलब कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं पर्यावरण जागरूकता को लेकर के, ओजोन लेयर और प्रमुख गैसें, मतलब इसमें टोटल ज़्यादातर साइंस रहेगा। और गणित में भी ज़्यादा सवाल मतलब हाई लेवल के नहीं रहेंगे, फिर भी एक कक्षा 1 से 8 तक के दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, बारंबारता सारणी, टैली वगैरह, यही सब ज़्यादातर सवाल आएगा। तो ये तो प्राइमरी के लिए आपको इसके लिए तैयारी करनी है। ये 60 प्रश्न रहेंगे, टोटल आपका 150 प्रश्न हो गया। तो ये जब 60 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इतनी तैयारी कर लेंगे कि आप 100+ सीटेट में निकाल सकें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ जो लोग सोशल स्टडी से देना चाहते हैं, ठीक है,
सोशल से देना चाहते हैं, उनके लिए भी 60 प्रश्न हैं, तो उनको जो है ज़्यादातर NCERT की जो सामाजिक अध्ययन है, ठीक है, उसे आप लोग तैयार कर लीजिए। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपको हर हाल में पढ़ना ही है। इसमें इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, ठीक है, और अर्थशास्त्र रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा जो आपकी पॉलिटिक है, संविधान से प्रश्न आ सकते हैं, और 4, 6, 10 प्रश्न 60 में ऐसे पूछता है जैसे कोई बहुत फेमस पुरस्कार हो गया आपका, ठीक है, अवार्ड जो दिए जाते हैं या किसी महापुरुष के कार्य हो गए, तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आप सोशल पर इस स्तर से तैयारी करेंगे। अगर आपका साइंस है, साइंस वर्ग, ठीक है, तो साइंस में भी दोस्तों आप अगर कक्षा 6 से 10 तक की NCERT पैटर्न की बुक साइंस की देख लेंगे तो आपको 60 में से 50 प्लस क्वेश्चन के आंसर उन्हीं पुस्तकों से मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों CTET का पैटर्न। अगर आप ये रणनीति बना करके तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सफल होंगे दोस्तों। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में पैटर्न समझाया, अब मैं कल से शुरू करूँगा रिटर्न एग्ज़ाम और CTET ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी। तो दोस्तों आप लोग बस कमर कस लीजिए और आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे करना है आपको तैयारी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक आल्सो ऑन द बेल आइकॉन दैट व्हेन एवर अपलोड वी अ न्यू वीडियो देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट। सो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।